हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और काफ़ी दिन हो गए मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किए हुए। काफ़ी तकरीबन एक हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा गाइज। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके SSC CGL एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आई है बायोलॉजी प्लस आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के ऊपर। तो ये बायोलॉजी का है, बायोलॉजी की सीरीज खत्म करने के बाद फिर इकोनॉमिक्स के चैप्टर होंगे जो वो अपलोड करूंगा मैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि आप हमारे चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं और हमारी वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन या फिर जो आपको बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइबर वाला, वहां पे क्लिक कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में जो आने वाली वीडियोज होंगी आप उनकी अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो चलिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो जब हम बात करते हैं एटमोस्फेरिक एयर की, ठीक है, एयर के एटमोस्फेरिक एयर की, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है वो होती है नाइट्रोजन की, 78%। लेकिन जब बात होती है आपके ह्यूमन बॉडी के कंपोजिशन की, तो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। ध्यान रखना आप ये। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो है राइट आंसर। व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। सो जो स्टेम सेल्स होते हैं उनसे है जो हमारे बॉडीज के, ठीक है, हमारी बॉडी ऑर्गन बनाए जाते हैं या हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो स्टेम सेल से बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट। तो आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका हार्ट, मानव हृदय, दिल, जो कि आपका कभी रेस्ट नहीं करता। क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, हमारा पूरी लाइफ के अंदर जो हमारी ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, उसको पूरी बॉडी के अंदर पंप करना। क्योंकि ब्लड की सहायता से जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर उनके पास जो है ऑक्सीजन पहुंचती है और हम जिंदा रहते हैं। तो यदि आपका हार्ट ही काम करना बंद कर जाएगा तो जाहिर सी बात आपकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अब आपका मेन इम्पोर्टेंट जो है कि हार्ट से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, प्लस आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं हार्ट के अंदर जिससे आपके एग्जाम में CGL में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वो। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम समझ लीजिए और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर उसको एक बार समझ लीजिए। आपको पता है जो मानव हृदय होता है उसे हम चार पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। जो आपके अपर वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पे आप राइट वाले डायग्राम में देखिए, जो अपर वाले पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्ट्रियम या फिर ओरिकल, और जो आपके लोअर वाले पार्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल। जो राइट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं राइट आर्ट्रियम या फिर राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ध्यान रखना जो आपके आर्ट्रियम होते हैं, मतलब कि जो अपर वाला पार्ट होता है हार्ट का, यहां पे आप देखिए हार्ट का जो अपर वाला पार्ट होता है वो होते हैं आपके रिसीविंग चैम्बर, मींस जो ब्लड को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और जो आपका लोअर वाला पार्ट होता है वेंट्रिकल, वो होते हैं आपके डिस्चार्जिंग चैम्बर, ठीक है। अब देखिए राइट आर्ट्रियम आपका क्या काम करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्यूब है जिसका नाम है आपका सुपीरियर वेना कावा, और नीचे की तरफ देखोगे आप यही ट्यूब जिसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या करती है, ये जो वाली ऊपर वाली ट्यूब है ये जो आपका अपर बॉडी का पार्ट होता है हमारा, यहां से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और इन्फीरियर वेना कावा क्या करती है, जो हमारी बॉडी के लोअर बॉडी से जो हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कहां पर लेकर आती है, राइट आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा लेफ्ट वाला डायग्राम पे आ जाइए आप, यहाँ पे जो आपका रेड पोर्शन दिखाया गया है ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज्यादा है, और जो आपका ब्लू वाला पार्ट है वो है आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। अब आपका जो ब्लड आया है कहां आया है, फिर आप राइट वाले डायग्राम की तरफ देखिए, राइट आर्ट्रियम के अंदर, ठीक है। अब यहां से जो आपका ब्लड होगा वो किसके अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर।
ध्यान रखना राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर, यहां पे आप ये वॉल्व देख सकते हो ये वाली, इसका नाम है आपका ट्राई क्यूस्पिड वॉल्व। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जो वॉल्व का नाम पूछा गया था आपको कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसका क्या नाम होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका ब्लड होगा राइट वेंट्रिकल से डिस्चार्ज होगा लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ जाएगा, और फेफड़ों की तरफ कौन सी नली के द्वारा लेकर जाया जाएगा, जिसका नाम है आपका पल्मोनरी आर्टरी। और इनका क्या काम होता है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको फेफड़ों की तरफ लेकर जाती है, वहां से फिर उन्हें उस ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वह किसके अंदर आता है फिर लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। मैंने आपको बताया था आर्ट्रियम आपके क्या है, रिसीविंग चैम्बर। तो लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर जो आपका ब्लड आएगा, अब वो ब्लड कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो आप रेड एरो देख रहे हो इसका मतलब है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से लेफ्ट आर्ट्रियम से वो कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहां से फिर जो आपका ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहां पे आप देख सकते हो अरोटा के जरिए। ठीक है, अब यहां यही पूरी जो फंक्शनिंग है मैंने अभी आपको बताई है सारी, ये सारी मैंने इस डायग्राम में आपको बता रखी है कि जहां यहां पे आप देख सकते हो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहां से ब्लड जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम में, फिर जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बाद जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होंगी वो क्या करेंगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएंगी फेफड़ों में, वहां से आपका ब्लड फिर ऑक्सीजन लेके कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से आपकी पूरी बॉडी के अंदर अरोटा के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें भी मसल्स होते हैं। अब उन मसल्स को भी क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। तो ध्यान रखना कि जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं उसका नाम होता है आपका कोरोनरी आर्टरी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, CORONARY, कोरोनरी आर्टरी इसका नाम होता है, जो क्या करती है, जो हमारी हार्ट की मसल होती है उसको ब्लड सप्लाई करती है। क्योंकि यदि हार्ट की मसल्स को ही ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारा हार्ट क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। अब इसके बाद जो हमारा दिल होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सुरक्षित रहता है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है आपका पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मानव हृदय होता है कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर जो है सुरक्षित रहता है, पेरिकार्डियल, CARDIAL, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये ध्यान रखना। और कई बुकों में लिखा हुआ है कि जो दिल होता है उसका वेट होता है 300 ग्राम। ठीक है, कई बुकों में दिखाया गया है 200 से 350 ग्राम तक जो मानव हृदय का वेट होता है। ठीक है, तो ये दोनों रेंज में सही है, 300 ग्राम भी सही है आपका, 200 से 350 ग्राम भी ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है, जो वेन्स होती हैं वो आपका कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड, ये ध्यान रखना। इम्प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जो हमारी आर्टरी होती हैं वो कैरी करती हैं आपका प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन वेन्स प्लस आर्टरी का एक एक्सेप्शन है, ये आपको पता है। वेन्स का एक्सेप्शन क्या है कि जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहां पे आप देखिए पल्मोनरी वेन्स है जो आपकी, वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो आपका ब्लड कहां से आएगा, फेफड़ों के अंदर से आएगा, उसे कैरी करती है पल्मोनरी वेन, जो कि आपका जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी आती है आर्टरी, जो आपका कैरी करती है प्योर ब्लड, और इसका भी एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था। यहां पे फिर देखिए आप राइट वाले डायग्राम के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करती है, आपका जो राइट आर्ट्रियम होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजती है, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। तो ये एक आपका एक्सेप्शन है, दोनों का आप ध्यान रखना, वेन्स और आर्टरी का। इससे भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
और आपको पता है जो हार्ट की फंक्शनिंग होती है वो हम किसके जरिए मापते हैं, किसके जरिए देखते हैं, वो होती है आपकी ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसे भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार SSC के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और ये आपका जो सर्कुलेशन है पूरे ब्लड का बेसिक मैंने आपको बता दिया है, कि जिससे आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो लगभग आपका स्ट्राइक कर जाता है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको पता है जो मानव हृदय होता है लगभग पर मिनट में वो 72 बीट्स लेता है, ठीक है। यदि हम बात करें फिशीज की, तो उनके अंदर होता है दो चैम्बर हार्ट, मतलब कि दो चैम्बर होते हैं, एक होता है आपका ऑट्रियम और एक होता है आपका वेंट्रिकल। एम्फीबियन होते हैं जो कि होते हैं आपके थ्री चैम्बर हार्ट, जिनके अंदर क्या होता है, थ्री हार्ट के अंदर थ्री चैम्बर होते हैं, ठीक है। और यहां पे हम वेट की बात करें, थ्रू 250 से 350 ग्राम मैंने आपको बताया था, चाहे आप 300 ग्राम से भी कहीं बुकों में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और कई बुकों के अंदर जो है आपका रेंज दी हुई है 250 से 350, तो ये दोनों सही है आपके, ठीक है। और मैंने आपको अभी बता दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव सैक जो होती है मेम्ब्रेन, जिसका नाम होता है आपका पेरिकार्डियम, ठीक है, या फिर पेरिकार्डियल भी बोला है मैंने, वो भी सही है आपका, पेरिकार्डियम भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो साइंटिस्ट का नाम था आपका विलियम हार्वे, जिन्होंने आपका पहली बार जो है ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाया था। तो ऑप्शन बी है इसका आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसे लिवर के अंदर किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो उसका नाम होता है आपका, आपको पता है जो हमारी आर्टरी होती हैं वो कैरी करती हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो जो आपकी आर्टरी होती है हेपेटिक आर्टरी, ये क्या करती है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे लंग्स, यानी कि जो हमारे सॉरी लिवर होता है उसको पहुंचाती है। नेक्स्ट है आपका, ECG शो द फंक्शनिंग ऑफ, मैंने आपको बताया था ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि फंक्शनिंग शो करता है आपकी किसकी, दिल की, हार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के हमारे अंदर, आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा, 10th और 8th क्लास में, ठीक है। और टोटल कितने होते हैं आपके, 46, टोटल कितने होते हैं 46। और जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उन्हीं के अंदर जो है हमारे जीन पाए जाते हैं, जो आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को, और जीन के ही अंदर आपके पाए जाते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज लिखी हुई हैं जिसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन बींग की जो हमने पता लगा लिया कि 46 होते हैं। आगे यदि हम वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन के अंदर जो होते हैं आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं टोटल 22, और यदि हम रैट की बात करें तो टोटल कितने होते हैं 42। और टोबैको तंबाकू की यदि हम बात करें, तो नंबर ऑफ तंबाकू का जो पौधा होता है यहाँ पे देख सकते हो आप, उसके अंदर जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं आपके 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन दी, तो ये पूछ रहा है जो मानव के स्केलेटन हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी हड्डी होती है वो कहां पर होती है, तो वो होती है हमारी बॉडी के अंदर थाई के अंदर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फीमर, या जिसे हम फीमोरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है हमारी बॉडी की, जो हमारी थाई के अंदर होती है, और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है हमारी कान के अंदर, जिसका नाम होता है आपका स्टेप्स, ठीक है, ये होती है हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके हड्डियों से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ लिखे हैं, ये तो आपने पता ही होगा कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ
बोन्स होती हैं ह्यूमन के अंदर, एडल्ट्स के अंदर वो होती हैं आपकी 206 हैं। और यदि हम बात करें ह्यूमन फुट की, पैर की, तो जो हड्डी होती हैं वो कितनी होती हैं, 26। ये हम कर चुके हैं फीमर, जिसे हम थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है स्केलेटन सिस्टम की। और जो स्टेप्स है, कान की हड्डी है, कान के अंदर होती है, मिडल ईयर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, मिडल ईयर के अंदर होती है, वो होती है आपकी सबसे हल्की और सबसे छोटी हड्डी हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम की। जो हड्डियां होती हैं हमारी, वो बेसिकली बनी होती हैं आपकी कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम से, या फिर कुछ अदर्स मिनरल्स भी ऐड होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन का, प्रोटीन हो गया, ठीक है। जो मेन होता है आपका, वो होता है कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम, इसे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। और यदि हम बात करें जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, इसका बेसिक जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जो बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जो बाहर से इम्पैक्ट होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, उसको सहना, ताकि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उनको कोई नुकसान न हो, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके यहां से पढ़ सकते हो, जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख कर दिए हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब जो हमारे हड्डियां होती हैं, स्केलेटन सिस्टम होता है, आपको पता है उसके अंदर जॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स से रिलेटेड मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं यहाँ पे, आप वीडियो पॉज करके पढ़ना। कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, कि जैसे कि आपके लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, लिगामेंट्स क्या होते हैं भाई, जो आपके एक हड्डी को, ठीक है, डायरेक्ट दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिगामेंट्स। और जो हमारे टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, ठीक है, बॉडी की मसल से क्या जोड़ते हैं, हमारी हड्डियों को जोड़ते हैं, बोन को जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स दोनों ही क्या हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसके ऊपर भी SSC के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको ये दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, या तो आपको ऑप्शन के अंदर लिगामेंट्स मिलेगा, या फिर टेंडन्स मिलेगा, या फिर दोनों मिलेंगे, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स भी होते हैं, आपको पता है हर एक जॉइंट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं हमारे एंकल की, घुटने की बात करूं, जिसके अंदर होता है आपका हिंज जॉइंट, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताओ कौन से जोड़ के अंदर हिंज जॉइंट होता है, तो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है, नी दिया जाता है, आर्म दिया जाता है, स्कल दिया जाता है, रिब दिया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जॉइंट होते हैं उनके क्या नाम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि रिस्ट में हो गया, ठीक है, उंगली के अंदर हो गया, एंकल के अंदर हो गया, इनके नाम है आपको पता होने चाहिए। मैंने सारे यहां पर लिखे हैं, आप देख सकते हो, बाल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है, और एलिप्सॉइडियल जॉइंट्स हो गए आपके, ये सारे यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है आपका, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है फीमर। नेक्स्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, तो मानव शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, वो स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी कुछ पता होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से भी आपके क्वेश्चन जो है SSC CGL के अंदर पूछे जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेसिकली वो फ्यूल का कार्य करते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लगभग 50-75% हिस्सा जो होता है वो किससे मिलता है हमें, उसकी एनर्जी मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो आपका कंपोजिशन होता है किसका, कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है, कार्बन की 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इस रेशो में जो आपकी कंपोजिशन होती है कार्बोहाइड्रेट की। आपको पता है यहाँ पे कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं, जैसे कि मेज, स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये आपके सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन से जो है कार्बोहाइड्रेट की क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन में इसको क्लासिफाई किया गया है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, या फिर डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं जो आपके सिंपल शुगर से बनते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर आपका सिंगल कीटोन यूनिट होती है, ठीक है। जो आपका नेचर के अंदर मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड है वो है आपका ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड की बात करें या डाइसैकेराइड की बात करें, जिनको बनने के लिए हमें 2 या 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड चाहिए होते हैं,
उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई इसके, ओलिगोसैकेराइड और डायसैकेराइड के। डायसैकेराइड के यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, सुक्रोज हो गया। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है कि लैक्टोस का नाम दे दिया जाता है, बताओ मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पॉलीसैकेराइड की यदि हम बात करें तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके जो बनता है उन्हें हम बोलते हैं आपके पॉलीसैकेराइड। तो एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड के, जैसे ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, चिटिन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्लस इसकी कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय। तो जो आप ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं आपके चार, उसमें से जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो होते हैं आपके एंजाइम। एंजाइम होते हैं जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि माना जाता है कि जो भोजन होता है हम खाते हैं वो आपका पचना कहां से शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से ही जो भोजन होता है वो पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारे मुंह के अंदर प्लस फिर भोजन जाता है हमारे स्टोमेक के अंदर, ठीक है, स्टोमेक से फिर आपका ड्यूडेनियम से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्जर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम होते हैं मुंह में अलग होते हैं, ठीक है, स्टोमेक में अलग होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखे हैं मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो जो हमारा सलीवा होता है मुंह के अंदर जो एंजाइम मिलते हैं वो है आपका पटाइलिन और माल्टेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जा चुका है सलीवा से रिलेटेड और इसके एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको सोल्यूबल शुगर के अंदर वो कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद करते हैं स्टोमेक की, यानी कि पेट की। पेट के अंदर जो होते हैं एंजाइम होते हैं आपके पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन का काम होता है आपका प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना या फिर कन्वर्ट कर देना, बदल देना। ऐसे ही पूछा जाता है आपसे, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे ट्रिप्सिन होता है भाई, ट्रिप्सिन ESSC के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रिप्सिन का काम क्या होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, आपका जो प्रोटीन होता है उसको किसमें बदलता है, पेप्टोन में, सॉरी प्रोटीन एंड पेप्टोन को किसमें बदलता है, पॉलीपेप्टाइड या और अमीनो एसिड के अंदर। तो प्रोटीन और पेप्टोन को किसमें बदलता है, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड के अंदर। ये आपसे एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लिखे हैं, स्टोमेक के अलग हैं आपके, ड्यूडोनियम के अलग हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे इरेप्सिन हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज, लैक्टेज, लिपेज। सो माल्टेज का क्या काम होता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, माल्टेज का काम होता है कि जो माल्टोस होता है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द बॉडी इज टू। आपको पता है जो हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, CYTES, ठीक है। ये क्या करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो है इसका राइट आंसर, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिसीज। व्हाइट ब्लड सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए, इन्हें कहा जाता है आपका ल्यूकोसाइट, ठीक है। इनका जो फॉर्मेशन होती है, जो व्हाइट ब्लड सेल बनती हैं वो बनती है हमारी बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और जो इनका लाइफ स्पैन होता है ये इंपॉर्टेंट है, वो होता है आपका 1 से लेकर 2 दिन का। और इंपॉर्टेंट बात कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता किसमें, RBC में, ध्यान रखना, RBC के अंदर जो न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन होती है कि जो आपका कैमल का ब्लड होता है ऊंट का, ठीक है, और लेमा का RBCs होती हैं इनकी, उनके अंदर जो है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपने पढ़ लिया कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करना, उनको डिसीज से बचाना बॉडीज को। और यदि हम बात करें रेशो की, तो 600 रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, यानी कि हम रेशो की बात करें RBC और WBC की, तो वो होता है आपका 601। नेक्स्ट है आपका, हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। तो हीमोग्लोबिन आपको पता है RBC के अंदर पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। और यहां पे देखिए जो ऑप्शन ए है इसका है राइट आंसर,
रेड ब्लड सेल्स की यदि हम बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है आपका वो होता है 20 से लेके 120 डेज का, ये आप ध्यान रखना। और जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका बोन मैरो के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया था न्यूक्लियस वाली बात और एक्सेप्शन। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर ये ध्यान रखना हेमेटिन नाम का जो है आपका आयरन कंपाउंड पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इसका रंग होता है वो हीमोग्लोबिन को वो क्या होता है लाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है आपका कि हीमोग्लोबिन के अंदर आपका कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो है आपका आयरन। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। मैं आपको बता चुका हूँ हार्ट के अंदर कि जो ब्लड होता है आपका वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, हमारी बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सोते समय जो आपकी आरबीसी होती है वो 5% तक रिड्यूस हो जाती है। यदि हम एक 4200 मीटर की हाइट पर चले जाएं, ठीक है, तो जो आपकी आरबीसी होती है उनमें 30% का इजाफा हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं यदि हम ऊंचाई पे जाएंगे तो जो आरबीसी की मात्रा होगी बॉडी के अंदर वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और हीमोग्लोबिन की कमी से प्लस या फिर खून की कमी से जो आपको रोग होता है उसे हम बोलते हैं एनीमिया, ये ध्यान रखना आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोस। तो जो एलिसा टेस्ट आपका डायग्नोस करने के लिए किया जाता है कौन सी बीमारी के लिए, वो किया जाता है आपका एड्स। नेक्स्ट है आपका, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। तो कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का वो होता है आपका 350 ग्राम। ठीक है, और कई बुकों में ऐसे रेंज में भी दिया हुआ है 1200 से लेके 1350। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, 1350 ग्राम। ठीक है, आपको पता है जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है वो हमारे क्या होता है, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं फैक्ट्स ब्रेन से रिलेटेड जो आपके एसएससी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपको पता है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसे बेसिकली तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पेरी फिरल, PHERAL, पेरीफिरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि कैसे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ब्रेन होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आता है। सो ब्रेन को डिवाइड कर रखा है बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर। पहला है आपका फोर ब्रेन, फिर है आपका मिड ब्रेन, और फिर है आपका हिंड ब्रेन। आगे इनको फर्दर डिवाइड किया गया, आपका जो आपका फोर ब्रेन होता है उसे फर्दर डिवाइड किया गया है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हिंड ब्रेन को फर्दर आपका जो है बांटा गया है सेरेबिलम, पॉन्स और मेड्यूला में। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में, वो आपके पूछे जाते हैं फोर ब्रेन से रिलेटेड। उसके बाद जो एक या दो क्वेश्चन बच जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके हिंड ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की, जिसे डिवाइड किया है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। ठीक है, आपको सिर्फ इनके अंदर क्या पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस की आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, थैलेमस का और हाइपोथैलेमस का जो है फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेरेब्रम की। तो सेरेब्रम ये आपका बॉडी का, सॉरी आपके ब्रेन का मोस्ट डेवलप्ड पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और यही आपका सेंटर होता है हमारी विजडम, जो हमारी समझदारी, मेमोरी, आपकी विल पावर, मूवमेंट्स, नॉलेज और थिंकिंग का। ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका। तो सेरेब्रम है जो है इंपॉर्टेंट पार्ट, और इससे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका थैलेमस। थैलेमस यदि हम बात करें इसके फंक्शन की, तो ये हमारे बॉडी का सेंटर होता है पेन, कोल्ड और हीट। ठीक है, ये जो कार्य होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, थैलेमस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। फिर आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है,
ये हमारी बॉडी के अंदर, इसे हम बोल सकते हैं सेंटर किसका, हंगर का, भूख का, प्यास का। टेम्परेचर कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के जरिए, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका जो लव, प्यार, हेट एटसेट्रा जो होते हैं वो सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के जरिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के, जिससे आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और यदि हम बात करें ब्लड प्रेशर, ठीक है भाई, ध्यान रखना ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर हो गया बॉडी के अंदर, स्वेट पसीना हो गया, एंग्री जॉय, ये सभी किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के जरिए, ये ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम मिड ब्रेन की, ठीक है। तो जो हमें सुनाई देता है और दिखाई देता है, या हम बोल सकते हैं हमारी विजन और हियरिंग पावर, कौन कंट्रोल करता है, कौन फंक्शन करता है, मिड ब्रेन। और इसे आपको फर्दर जो है डिवाइड किया गया है कि इसमें कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिमा, फिर आता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को आपका फर्दर डिफाइन किया गया है सेरेबेलियम, पॉन्स और मेड्यूला में, इससे भी है जो आपके एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सेरेबेलियम का फंक्शन पता होना चाहिए, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, इसका नाम है सेरेब्रम और इसका नाम है आपका सेरेबिलम, इसमें डबल एल है, उसमें एल नहीं है, ठीक है। सो जो इसका सेरेबेलियम का फंक्शन होता है आपका, जो हमारी बॉडीज की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, मेंटेन ऑफ पोस्चर्स, वो सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, आपके सेरेबेलियम के जरिए। फिर होते हैं आपके पॉन्स, पॉन्स का क्या कार्य होता है आपका, पॉन्स होती है हमारी, ये पॉन्स यदि मैं बात करूं, इट एक्ट एज अ ब्रिज कैरिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पॉन्स यदि हम सीधे बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको आपस में जोड़ते हैं। बात करते हैं मेड्यूला की, मेड्यूला का क्या काम होता है, ये जो हमारी बॉडीज के अंदर एक्टिविटीज होती हैं लाइक रेस्पिरेशन, ठीक है, कफिंग यानी कि खांसी, स्नीजिंग और जो हार्ट के एक्शन होते हैं, ठीक है, ये सारे जो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मेड्यूला के जरिए, ये ध्यान रखना। जो मेन कनेक्शन होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, उसे जोड़ता है आपका मेड्यूला, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और जो पॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जस्ट आपके एक्ट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एज अ ब्रिज दैट कैरी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है। लेकिन जो मेन कार्य होता है कनेक्ट करने का, वो होता है आपका मेड्यूला का, जो कनेक्ट करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड को किससे, ब्रेन से। आपको पता है कि मानव शरीर के अंदर जो आपकी सबसे कम रीजनरेटिंग पावर होती है वो किसकी होती है, आपके नर्व सेल्स की, ठीक है। और इनकी जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है न्यूरॉन, इसे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ब्रेन जिस मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका कवर्ड होता है उसे हम बोलते हैं मेनिंजिस, यहां पर लिखा हुआ है मेनिंजिस। वेट ऑफ ह्यूमन Adult human brain is 350 gram। तो मैंने आपको फंक्शनिंग बता दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, ठीक है, फंक्शनिंग से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन विच प्रमोट्स द सिक्रेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, ठीक है। तो जिसे खाने से, जिस मेडिसिन को खाने से, मतलब कि जो आपके यूरिन करने की जो बोल सकते हो प्रोसेस होती है उसको फास्ट कर देता है, तेज कर सकता है, यानी कि जो आपका यूरिन होता है फिर वो जल्दी आता है, उन्हें हम बोलते हैं डायूरेटिक, इस टाइप की मेडिसिन को। नेक्स्ट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, पिट्यूटरी ग्लैंड को बॉडी की मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है,
ठीक है, बॉडी की मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। और जो इसकी सिचुएशन होती है आपकी, ये होती है आपकी इन द बेस ऑफ ब्रेन। इसका ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है आपका सेला ट्यूनिका, ये इसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। और जिसका अप्रोक्सीमेटली वेट होता है वो आपका 0.6 ग्राम होता है, एक जो आपका मटर का दाना होता है उसके बराबर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। प्लस ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका जो इसका कंट्रोल होता है किसके हाथ में होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने अभी आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो आपका डी पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा जो हार्मोन छोड़े जाते हैं आपका, जैसे एसटीएच हो गया, ठीक है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हो गया, ये किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, मैंने अभी आपको बताया था जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, हाइपोथैलेमस के जरिए। विच सेल इन अवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिंग पावर, रीजनरेटिव पावर, मैंने अभी आपको बताया था जो हमारे ब्रेन्स के सेल्स होते हैं उनकी क्या होती है, सबसे कम रीजनरेटिंग पावर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो जो सर्जन होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर पता लगाने के लिए कैंसर का, जिसका नाम, टेस्ट का नाम होता है आपका बायोप्साई टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, कैंसर सेल्स, उनको निकाल कर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज, मैंने आपको बताया था जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जन्म के बाद उनके अंदर कोई जो है आपका डिवीजन उनके सेल्स के अंदर नहीं होता। पर्सन विल हैव ब्राउन आईज, ब्लू आईज और ब्लैक आईज, ठीक है, किसकी वजह से होता है ये कलर होता है जो आईज के अंदर, किसकी वजह से होता है, आपको पता है जो हमारी प्यूपिल होती है, प्यूपिल जैसे आप देखते हो डॉट होती है आंख के अंदर, जैसे आप देखोगे यदि आप आंख के अंदर रोशनी डालोगे तो वो फैल जाती है, ठीक है, और लाइट कम करोगे तो वो सिकुड़ जाती है, प्यूपिल जिसे हम बोलते हैं, पुतली बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके अराउंड जो आपका सरफेस होता है, ठीक है, वो कईयों का ब्लैक होता है, कईयों का ब्राउन होता है, ठीक है, वो हर पर्सन के लिए क्या करता है, वेरी करता है। इसी पार्ट को हम बोलते हैं आपका इरिस। ठीक है, इरिस, तो इसका ऑप्शन है आपका सी, इरिस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, तो जो आपके ब्लड के क्लॉटिंग करने, थक्का जमाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अब जो रिएक्शन होती है पूरी की पूरी, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने की हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, कौन सा प्रोटीन काम में आता है, कौन सा विटामिन काम में आता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। जो मैंने यहां पर आपको दिखाया है कि जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है, वो किससे मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर प्लस कैल्शियम से क्या बनाएगा आपका, थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन आपका फाइब्रोनोजन से मिलकर क्या बनाएगा, फाइब्रिन, ये इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिन। फाइब्रिन फिर आपका प्लेटलेट्स के जरिए मिलकर क्या करेगा, क्लॉट करेगा, ब्लड को थक्का जमाने का काम करेगा। तो जो विटामिन के होता है आपका वो सहायता करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। वैसे जो बेसिकली टाइम लगता है ब्लड को क्लॉट होने में वो लगता है आपका 2 से लेके 5 मिनट तक का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपका वो ये है लास्ट वाला, कि जो कंपलसरी प्रोटीन होता है थक्का जमाने के लिए खून में, ब्लड को क्लॉट करने के लिए, उसका नाम होता है आपका फाइब्रिनोजिन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिसीज इन विच द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीज इज नोन एज, तो जो ब्लड ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल यदि बढ़ जाता है, ठीक है, तो जो डायबिटीज होती है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करने के लिए जिस व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है, आप देखते होंगे ये जिस व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस होती है वो यदि बाथरूम वगैरह करता है तो जो उसका बाथरूम वगैरह होता है,
ठीक है, वो एक तरह से जम जाता है, आप जिसको बोलते हो गाढ़ा होता है। तो इसका क्या होता है, मतलब कि जो आपकी बॉडी के अंदर है ग्लूकोज की जो लेवल है ब्लड के अंदर, वो क्या है, इंक्रीज हो गया है। तो उस व्यक्ति को बार बार पानी पीना पड़ता है उस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। सो जो ऑप्शन ए है इसका वो है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं छोड़ता, तो वो है आपका लिवर। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। लिवर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए। आपको पता है लिवर है जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा क्या है, ग्लैंड है। और दूसरी बात, लिवर ही बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, रीजनरेटिंग पावर होती है। मीन्स जो लिवर होता है वो खुद को हील कर सकता है, ठीक कर सकता है। इट सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस जो आपका स्टोर होता है गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, यदि बाइल जूस के अंदर आपका एक नाम होता है बिली रूबिन, बिली रूबिन, ठीक है, यदि ये आपका पदार्थ खून के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पाया जाता है आपका बाइल जूस के अंदर, ठीक है, यदि आपका बिली रूबिन खून के अंदर मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा मात्रा में चला जाता है, तो आपको क्या हो जाता है, जॉन्डिस, हम जिसे क्या बोलते हैं, पीलिया। ठीक है, और पीलिया आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जब जॉन्डिस होता है तो बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो वो होता है आपका लिवर। ठीक है, तो जो आपका लिवर का काम होता है वो जो हमारी ग्लूकोज होती है बॉडी के अंदर उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। अब इसकी दूसरी बात करें तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये मैंने आपको बता दिया इफेक्ट, सॉरी फैक्ट ई मैंने आपको बता दिया। यदि किसी व्यक्ति ने जहर खाया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो आपका पोस्टमार्टम होता है उसके अंदर हम किसकी जांच करते हैं, लिवर के अंदर लिवर की जांच करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो जहर खाने से हुई है। ठीक है, वेट अप्रोक्सीमेटली जो होता है इसका 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक का होता है आपका अप्रोक्सीमेटली लिवर का वेट। अभी हमने पढ़ा है एक प्रोटीन का नाम किसका, फाइब्रिनोजन। इसका क्या काम था, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करना, किसके साथ मिलकर, प्लेटलेट्स के जरिए। और ये बनता कहाँ है आपका, लिवर के अंदर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हेपेरिन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, हेपेरिन। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है भाई, ऐसे देखो कट लगता है आपको, ठीक है, ब्लड जो बाहर आकर कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, जम जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता, वो किसकी वजह से नहीं जमता, हेपेरिन की वजह से, ये ध्यान रखना आप, हेपेरिन। द लिवर रिजर्व सम क्वांटिटी ऑफ आयरन, कॉपर, वाइटामिन। इट कन्वर्ट मोर एमिनो एसिड एंड अमोनिया ऑफ ब्लड इनटू यूरिया। नेक्स्ट है आपका, डायलिसिस इज यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। तो हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट होती हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको निकालने का काम किसका होता है, डायलिसिस करने का काम किसका होता है आपका, किडनी का। तो जब किडनीज आपकी फेल हो जाती हैं, इम्प्रॉपर फंक्शन नहीं करने लगती हैं, तो ये हमें काम जो होता है बाहर से करवाना पड़ता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फंक्शन, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, तो जो आपकी डायलिसिस होती है किसका फंक्शन करता है, किडनीज का। किडनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो किडनी का वेट अप्रोक्सीमेटली होता है वो आपका 140 ग्राम। आपको होता है हर एक मनुष्य के अंदर दो, एक पेयर होता है किडनी का, दो किडनी होती हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला है आपका कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट होता है, और मेड्यूला जो कि आपका इनर पार्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो किडनी होती है हमारी, वो 1 करोड़ 30 लाख, जो आपकी एक किडनी होती है वो 1 करोड़ 30 लाख किडनी डक्ट की बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन। मेन फंक्शन क्या होता है किडनी का, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट है भाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इन किडनी एवरेज 125 ml मिलीलीटर
पर मिनट ब्लड इज फिल्ट्रेटेड, यानी कि 180 लीटर पर डे इतना ब्लड है जो आपकी किडनी क्या कर देती है एक दिन में प्यूरिफाई कर देती है, ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन की बात करें तो हर रोज 1.4 लीटर जो आपका यूरिन बनाया जाता है किसके द्वारा, किडनीज के द्वारा। यूरिन का कलर लाइट येलो होता है, किसकी वजह से, उसमें यूरोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से उसका कलर लाइट येलो होता है। यूरिन इज एसिडिक इन नेचर और जिसकी पीएच वैल्यू होती है आपकी 6। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो किडनी के अंदर स्ट्रोम बनते हैं, मींस जो पथरी हो जाती है हमें किडनी के अंदर भाई, ठीक है, वो किसकी बनी होती है आपकी, कैल्शियम ऑक्सालेट। इससे क्वेश्चन जो आपका एसएससी के अंदर पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्सालेट। नेक्स्ट है आपका, द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मानव शरीर की जो आपकी स्किन होती है उसका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, मेलेनिन, ठीक है। और मेलेनिन का एक और काम होता है कि जो हम यूवी रेज होती हैं, ठीक है, यूवी रेज का कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, हमारी स्किन में जाने से। नेक्स्ट है आपका, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप ऑफ, तो जो सभी ग्रुप से जो है ब्लड रिसीव कर सकता है वो कौन है, वो है आपका ग्रुप ए बी। वो कौन सा ग्रुप है आपका, ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे आपके एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही है कि ब्लड ग्रुप किसके द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था, वो किया गया था आपका लैंडस्टीनर के जरिए सन 1900 के अंदर, पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्लड ग्रुप ओ जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, जो सभी को ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होते। ब्लड ग्रुप ए बी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वो क्या है आपका, यूनिवर्सल रिसेप्टर जो सभी से क्या कर सकता है, ब्लड रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होते। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द पार्ट ऑफ टंग बियर सेल ऑफ सोर टेस्ट, जैसे सपोज करो आपकी जीभ होती है, ठीक है, तो जो आपका ये साइड वाला पार्ट होता है ये वाला, ये आपको टेस्ट देता है सोर खट्टे का, और ये जो आपका सामने वाला पार्ट होता है ये आपको टेस्ट देता है सॉल्ट और स्वीट का, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये आपको टेस्ट देता है बिटर कड़वे का। सो जो यहां पे बात किस कौन से टेस्ट की हो रही है, यहां पर बात हो रही है आपके सौर खट्टे की। तो आप देखते होंगे नींबू को देख के या फिर कोई खट्टी चीज को देख के जो पानी आने लगता है वो में, जो जीभ के साइड से, ठीक है। सो जो ऑप्शन है यहां पर, ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, साइड से। द लार्जर अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, तो जो ह्यूमन ब्लड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी ग्लूकोज। फॉर अ हेल्दी हार्ट वन नीड्स टू टेक बैलेंस्ड डाइट एडिक्वेट स्लीप एंड, तो आपको पता है कि हेल्दी हार्ट के लिए सबसे पहली बात, तो इसने लिखी दिया कि बैलेंस्ड डाइट, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, प्लस अच्छे अमाउंट में क्या करनी चाहिए हमें, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, डू राइट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। डीएनए टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, डीएनए टेस्ट जो आपका डेवलप किया था वो किया था आपका वॉटसन एंड क्रिक ने। सो ऑप्शन सी है इसका, वो है राइट आंसर। इफ द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल ऑफ अ पर्सन डिक्रीज हिज और हर ब्लड प्रेशर विल बी, तो जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं यदि उनका जो रेडियस होगा वो डिक्रीज करेगा, तो जाहिर सी बात है कौन सी स्टेज है आपकी हाइपरटेंशन की, मीन्स ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है आपका, ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ, सो ईईजी के द्वारा जो एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती है वो की जाती है हमारे ब्रेन की। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर।
द कंसेंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन अनेमिया, अनेमिया के अंदर बॉडी के अंदर किस चीज की कमी हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया था खून की कमी से क्या हो जाता है एनीमिया, मीन्स हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज में लाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, देखते होंगे आप, ठीक है, उसका नाम होता है आपका स्पाइगोमैनोमीटर, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द टर्म आर एच फैक्टर रेफर्स टू, आर एच फैक्टर जो हमारी बॉडी के ब्लड के ब्लड से रिलेट करता है, ठीक है, तो सबसे पहली बार जो आपका आर एच फैक्टर खोजा गया था वो खोजा गया था रीसस मंकी के अंदर, बंदर के अंदर, तो उसी के नाम पर ही जो है इसका नाम रख दिया गया आर एच फैक्टर, मीन्स रीसस फैक्टर, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। डिस्कवर्ड किया गया था रीसस मंकी के अंदर, किसने डिस्कवर किया था, लैंडस्टीनर ने, कब, 1940 में, किसके साथ मिलकर, वेनर के साथ मिलकर, इसका नाम इसलिए क्या पड़ा था आर एच फैक्टर, मीन्स रीसस फैक्टर। एबिलिटी ऑफ आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्पल पिगमेंट नोन एज, भाई जिससे आप रात में भी देख सकते हैं, यदि आपके अंदर जो है आंख के अंदर पर्पल पिगमेंट बनता है उस पर्पल पिगमेंट का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आपका रेटिनिन, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर रेटिनिन। ग्लाइकोमा इज अ डिजीज ऑफ, तो ग्लाइकोमा आपको पता है डिजीज किसकी है, आंखों की, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है आपका। ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ, यदि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यदि वो बिल्कुल ही कम हो जाएं, तो आपके जो इम्यून सिस्टम होगा बॉडी का वो क्या हो जाएगा, एक तरफ से आप कह सकते हैं खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। यदि दूसरी तरफ जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी जो अमाउंट होती है बॉडी के अंदर वो ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल ज्यादा हो जाती है, तो फिर आपको क्या हो जाता है ब्लड कैंसर, जिसे हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। सो एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स किसका कारण बनते हैं, ब्लड कैंसर का, सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। विजडम टीथ इज द, तो जो विजडम टीथ होता है हमारा, ठीक है, अकल वाला दांत जो वो, तो कौन सा मोलर टीथ होता है हमारा, जो विजडम टीथ होते हैं वो होते हैं आपका फोर्थ मोलर टीथ होता है, और इन्हें विजडम टीथ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो आपके निकलती हैं वो निकलती हैं 16 से लेके, ठीक है, 25 की एज में, तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है। टीथ का डेंटल फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए वो क्या है कि आई सी पी एम एम डिवाइड बाय में आई सी पी एम एम, इसका मतलब ये आई डिनोट करता है आपका इंसीजर, सी आपका डिनोट करता है कैनाइंस, पी एम डिनोट करता है आपका प्री मोलर, और एम डिनोट करता है आपका मोलर। यहां पे इनकी संख्या लिखी हुई है 2, यदि पहले लिखा हुआ है यानी कि आपके जो इंसीजर होते हैं अपर वाले पार्ट में, ठीक है, अपर वाले जबड़े में, और ये है लोअर वाले जबड़े में, तो टोटल इंसीजर कितने होते हैं आपके 2 और 2 4, ठीक है, K9 कितने होते हैं 1 और 1 2, और इसी तरह आपके प्री मोलर ऊपर और नीचे कितने होते हैं आपके 2 और 2 4, और इसी तरह आपके मोलर कितने होते हैं 3 और 3 6, यदि हम इन्हें 2 से गुणा करते जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 32। जो पहला दांत आता है वो आता है आपका 6 से लेकर 8वें महीने तक, ठीक है, और जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो बॉडी का होता है वो होता है आपका टूथ एनेमल, ENAMEL, टूथ एनेमल, ये होता है आपका बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, और ये कहां पर होता है, जो हमारे टीथ होते हैं उनको बाहर से क्या करता है, क्राउन करके रखता है। नेक्स्ट है आपका बिसाइड्स ईयर ऑसिसल्स
द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर इन ह्यूमन कंटेंस। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ओसिसल्स क्या है। आपको पता है जो हमारा ईयर होता है उसके अंदर आपके मिडल ईयर के अंदर क्या होती हैं, तीन हड्डियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहली तो मैंने बताई थी आपको स्टेप्स, ठीक है। फिर होती है आपकी, सबसे पहली तो होती है आपकी मेलियस, MALLEUS। फिर होती है आपकी इनकस, INCUS। और फिर होती है आपकी स्टेप्स, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ओसिसल्स। ये होती है आपकी मिडल ईयर के अंदर, और मिडल ईयर के अंदर ही आपका होती है आपकी एक कैविटी जिसके अंदर होती है आपकी ईयर, ठीक है। क्या होती है? ईयर, हवा, जिसे हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक, TYMPANIC, टिम्पैनिक कैविटी, जिसके अंदर क्या होती है? एयर होती है। हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, मैंने आपको बताया था जॉन्डिस मतलब कि पीलिया, ठीक है। तो कौन सा बॉडी का पार्ट जो है आपका इफेक्ट होगा? वो होगा लिवर। द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फिंगर नेल, फिंगर नेल के अंदर जो आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम होता है? वो होता है आपका केराटिन। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट, भाई जो बेसिकली हम बात करें जब आप सांस लेते हो तो उसके अंदर जो अप्रोक्सीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है वो होता है इतने परसेंट, या फिर इतना आप बोल सकते हो 0.4%, ठीक है। और जो आप हवा छोड़ते हो, ठीक है, उसके अंदर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है वो होता है इसका 10 गुना, मीन्स यानी कि 4%, 3 से 4%। तो यहां पे जो ऑप्शन ए है वो है इसका राइट आंसर। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, तो ब्लड प्रेशर जो है आपका कौन सी ग्लैंड के जरिए कंट्रोल किया जाता है? वो है आपकी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन इज, कान की जो टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? दो कान होते हैं, एक कान में होती हैं तीन, तो दो कान में होगी आपकी 3 + 3, 6। और मैंने अभी आपको नाम भी बताए थे तीनों के। नेक्स्ट है आपका देयर आर 3 bones इन ईच ह्यूमन, ये फैक्ट मैंने लिखा हुआ है पहले से ही कि इन ईच ह्यूमन ईयर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉल्ड ओसिसल्स, ये मैंने आपको बताया था। मेलियस जिसे हम हैमर बोन भी बोलते हैं, ठीक है, इनकस जिसे हम एनविल भी बोलते हैं, और स्टेप्स जिसे हम स्टीरअप भी बोलते हैं। इट कॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, व्हाट? जो आपका थ्रोम्बिन होता है वो क्लॉटिंग में क्या करता है? सहायता करता है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ह्यूमन बीइंग्स हैव टू ईयर्स बिकॉज टू ईयर्स हेल्प, भाई दो कान क्यों होते हैं हमारे? ठीक है, दो कान इसलिए दिए जाते हैं कि जो आपकी दो साउंड्स होती हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू काइंड्स ऑफ साउंड अराइविंग एट ईयर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब समझ ही गए होंगे आप। सो जो ऑप्शन डी है वो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, सो जो आपका स्टोमेक यानी कि जो पेट होता है वो कोई ग्लैंड नहीं है। थायरॉइड ग्लैंड है, लिवर ग्लैंड है, और पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। सो जो स्टोमेक है वो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। अ पर्सन हैविंग ब्लड टाइप बी कुड सेफली डोनेट ब्लड टू पर्सन विद ब्लड टाइप्स, सो जिसका ब्लड बी होगा, ठीक है, जिसका ब्लड बी होगा वो बी वाले को प्लस
ए बी ब्लड ग्रुप वाले को जो है ब्लड ग्रुप क्या डोनेट कर सकता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो है डी आंसर, बी एंड ए बी। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी, मैंने आपको बताया था इमोशनल रिएक्शन वाला शुरू के अंदर, वो था आपका हाइपोथैलेमस, अगर आपने नोट किया होगा कॉपी के अंदर। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, स्कर्वी रोग किसकी वजह से, कौन से विटामिन की वजह से होता है? सो जो स्कर्वी रोग होता है आपका वो होता है विटामिन सी की वजह से। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसीज हैं जो विटामिन की कमियों से होती हैं यहां पर लिखी हुई हैं और आपके एग्जाम में भी काफी बार पूछी जाती हैं। तो जैसे हमने पढ़ लिया कि जो विटामिन सी है जिसकी वजह से क्या होता है आपका स्कर्वी रोग होता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है गम्स के अंदर। बात करते हैं विटामिन ए की जिसकी कमी से होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जा चुका है। विटामिन बी वन, बी वन की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता है आपका बेरी बेरी, ये भी काफी बार बेरी बेरी जो इंपॉर्टेंट काफी स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और एसएससी के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है काफी बार। विटामिन बी टू होता है जिसकी वजह से आपकी क्रैकिंग स्किन, स्किन में जो क्रैक पड़ जाते हैं आपके, रेडिश आई हो जाती है। बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या हो जाता है, खून की कमी एनीमिया और स्किन की आपको जो है रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की यदि हम बात करें तो रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या होता है आपका लेस फर्टिलिटी। और यदि ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि विटामिन के है जो आपका ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है, यदि विटामिन के की कमी होगी तो जो आपका ब्लड होगा वो क्या करेगा, क्लोट करना में ज्यादा समय लेगा या क्लोट नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए, साइंटिफिक नेम भी आपके जो है विटामिनों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका रेटिनोल, ठीक है जी, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। कुछ और विटामिन हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे उनके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। विटामिन ए का हमने पढ़ लिया रेटिनोल होता है, बी वन की यदि हम बात करें होता है थाइमाइन, बी टू की यदि हम बात करें राइबोफ्लेविन, इंपॉर्टेंट है भाई राइबोफ्लेविन, बी सिक्स की बात करें तो पाइरिडॉक्सिन, सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, डी होता है आपका कैल्सिफिरॉल, ई होता है आपका टोकोफिरॉल, इंपॉर्टेंट है आपका ई टोकोफिरॉल, और के होता है आपका फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है आपका द मेटल आयंस प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व, तो विटामिन बी ट्वेल्व के जो अंदर मेटल आयंस होते हैं वो होते हैं आपके कोबाल्ट के। सो जो ऑप्शन ए है वो है राइट आंसर। फ्लैशी थैलेमस इज एडिबल इन, आपसे कई बार देखा होगा आपने एसएससी के एग्जाम के अंदर या फिर स्टेट लेवल्स के एग्जाम के अंदर, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी फ्रूट का नाम देकर, ठीक है, कि इसका कौन सा पार्ट्स होता है, पार्ट होता है जो एडिबल होता है, खाने के लायक होता है। तो फ्लैशी थैलेमस की बात कर रहा है पार्ट की जो खाने के लायक होता है एप्पल के अंदर, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने आपको बताए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा कि जो एप्पल के अंदर मैंने अभी आपको बता दिया फ्लैशी थैलेमस। यदि मैं बात करूं मैंगो की, आम की, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि मेसोकार्प होता है एडिबल पार्ट। बनाना की यदि मैं बात करूं, बनाना का जो एडिबल पार्ट होता है वो ज्यादा आपका मेसोकार्प और एंडोकार्प, ये ध्यान रखना, मैंगो का मेसोकार्प, बनाना का मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। कोकोनट की यदि हम बात की जाए तो कोकोनट का होता है आपका एंडोस्पर्म। तो कुछ और अदर इंपॉर्टेंट्स हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉटर बैलेंस, तो आपको पता है वाटर बैलेंस जो किया जाता है बॉडी के अंदर कौन से पार्ट के जरिए, वो है आपका किडनीज। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। द मेम्ब्रेन इज कवरिंग द लंग्स इज, तो जो हमारे फेफड़े होते हैं एक जो है मेम्ब्रेन के अंदर सुरक्षित रहते हैं उसका नाम क्या है आपका, प्लेयूरल मेम्ब्रेन, ये आपको पता होना चाहिए भी, प्लेयूरल मेम्ब्रेन।
हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉज, भाई जब ब्लड के अंदर जो आपका यूरिक एसिड होता है ठीक है वो हाई हो जाता है, ठीक है, यानी कि यूरिन की मात्रा जो है आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको रोग हो जाता है आपका अर्थराइटिस, गठिया बाग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, गठिया बाग रोग हो जाता है, वो होता है आपका ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के ज्यादा होने की वजह से। जो ऑप्शन ए है वो है इसका राइट आंसर। एन अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज, जो अडल्ट ह्यूमन में नॉर्मली कितने मोलर टीथ होते हैं मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, कितने होते हैं टोटल 12। बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पेशेंट्स पेशेंट मीन्स द डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ द, पेशेंट को कब मृत घोषित किया जाता है, जब उसका जो ब्रेन है वो क्या होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है डेड हो जाता है, और यही कंफर्म करता है ह्यूमन के पूरी तरह से मृत्यु होने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लड प्रेशर इज हाई इन दी, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है हाई किन के अंदर होता है, तो ब्लड प्रेशर जो आपका हाई होता है आर्टरीज के अंदर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो आपका बढ़ जाता है जिसे हम कभी कभी आर्टेरियल प्रेशर भी बोलते हैं, इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो है इसका राइट आंसर। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ इन, एस्ट्रोजन और आपके प्रोजेस्टिरोन ये क्या है, ये होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, ठीक है, जो आपके हेल्प करते हैं मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ में। सो जो यहां पे ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर, मेमरी ग्लैंड। पर्सन्स हु आर कलर ब्लाइंडनेस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होती है ठीक है वो कौन से दो कलर्स के बीच में जो है फर्क पहचान नहीं पाते, तो वो है आपका एक तो है रेड और दूसरा क्या है ग्रीन। सो यहां पे ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर। एसिड प्रेजेंट इन गास्ट्रिक जूसेस, हमारे पेट के अंदर थोड़ी ही मात्रा में जो बनता है आपका वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम होता है बॉडी के जो हमने खाना खाया है ठीक है उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो आपके जर्म आए हैं ठीक है कीटाणु आए हैं उनको खत्म करना, कह सकते हैं जो हमने फूड खाया है उसको डिसइंफेक्ट करना, किसका काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय एक्सपोजिंग इट टू अर्ली मॉर्निंग सन रेज, आपको बताए धूप में खड़े होने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाई बेसिकली आपको डायरेक्ट धूप से कुछ नहीं मिलता ठीक है, वो आपके बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ठीक है उनके अंदर जब धूप जाती है उसकी रिएक्शन की वजह से जो आपका है विटामिन डी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सेक्रेट इंसुलिन, आपको पता है जो इंसुलिन जो आपका निकलता है किससे, पैनक्रियास से, ठीक है, और पैनक्रियास के बीटा सेल से, बीटा सेल्स से जो है आपका इंसुलिन निकलता है। सो जो ऑप्शन डी है इसका वो है राइट आंसर। तो लीवर मैंने आपको बताया था, जो लीवर है वो क्या है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ क्या है ह्यूमन बॉडी, यदि मैं सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करूं तो वो क्या है आपका पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन, तो बॉडी के अंदर जो आपके फैट होते हैं कहां पर स्टोर करके रखा जाता है उन्हें, वो होते हैं आपके अंदर स्किन के अंदर होते हैं भाई एडिपोज टिश्यू, जिन्हें हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो ऑप्शन बी है इसका वो है राइट आंसर। द ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड टू द किडनी इज, तो किडनी को जो ब्लड सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है,
कौन सी आर्टरी के द्वारा किया जाता है? उसका नाम है आपका रेनल आर्टरी। ये ध्यान रखना भाई आप, उसका नाम क्या है? रेनल आर्टरी। हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको इन्वेंशन से, बायोलॉजिकल इन्वेंशन से रिलेटेड। तो पोलियो का पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, वो किया था जॉन ई सॉक ने। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इन्वेंशन हैं जिनके इन्वेंटर हैं, जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। फॉर एग्जाम्पल डीएनए की यदि हम बात करें, ये पढ़ चुके हैं हम, वॉटसन एंड जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने जो है इनका इनको डिस्कवर किया था। इंसुलिन की यदि हम बात करें, इंसुलिन को डिस्कवर किया था किसने? बेंटिंग ने। इंपॉर्टेंट है भाई। वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स किया था एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो नाम आता है आपका रॉबर्ट कोच का। पेंसिलिन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पेंसिलिन का आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बीसीजी, बीसीजी का आविष्कार किया था ग्यूरिन कॉलमेट ने। और विटामिन सी का जो आविष्कार किया था वो किया था होल्स्ट ने। Oh, 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 oh,